तनवीर आप स्टार्ट करें। ये जी सर, डॉक्टर राबेल जो है ना, शी विल एक्ट लाइक ए पेशेंट। ठीक है अस्सलाम जी वालेकुम। तनवीर, स्टार्ट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, आपकी इजाज़त है। जी आपने कहा आपकी उम्र 50 साल है और आपको कमर में दर्द है 6 महीने से, और साथ में आपको जो है दोनों टांगों की कमजोरी भी है 2 महीनों से। जी अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि दर्द आपको कमर में किस जगह पे होता है? मुझे ऊपर या बीच वाले हिस्से में ज्यादा होता अच्छा, आप मुझे बताएं कि दर्द जो है आपको जब शुरू होता है तो अचानक शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है? नहीं, शुरू में कम दर्द होता, अब बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है। अच्छा, बताएं ये दर्द किस किस्म का होता है? चुभन या वजन रखा हुआ है वहां पे, या भारीपन है, किस तरह का दर्द होता है? ये सही से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन मतलब काफी दर्द होता है, अंदर की तरफ महसूस होता है। ये दर्द कमर में ही रहता है या दर्द कमर से किसी आगे पीछे टांगों में भी जाता है? नहीं, टांगों में नहीं जा सकता। अच्छा, ये दर्द आपको मुसलसल रहता ही रहता है या दिन के किसी मखसूस हिस्से में होता है या कोई खास हिस्सा से? नहीं, हर वक्त होता दर्द अच्छा, हर वक्त होता है। जी। अच्छा, ये दर्द किसी ऐसी चीज से जिससे आपको लगता है ये दर्द बढ़ जाता हो? जब मैं छींकती हूँ या जब खांसी होती है, तो उस वक्त मुझे महसूस होता है कि बढ़ गया है। अच्छा, ये दर्द लेटने से या रात में सोने से तो बढ़ता नहीं आपका? हाँ, ये रात के टाइम ज्यादा होता है, जब मैं सुबह नींद से उठती हूँ उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता दर्द जैसे रात को आपको उठना पड़ जाए? तो हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। पहले फिर क्या करती हैं कि आपका दर्द कम हो जाता है? तो दवाइयों से हो जाता था कम, अब तो दवाइयों से भी कम नहीं होता। मैं थोड़ी देर उठ के बैठती हूँ तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं ये दर्द आपको इसके अलावा काम करने से तो नहीं बढ़ता, या नहीं, काम कमर करने को से हरकत करने से? ऐसा नहीं, कभी भी बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे अगर मैं आपसे कहूं कि दर्द की शिद्दत के बारे में कि एक बिल्कुल कम दर्द है, 10 बहुत ज्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका दर्द कितने कितने दरमियान में होगा? 7-8 तक। ठीक है। मुझे बताएंगे इस दर्द के साथ आपको बुखार वगैरह तो नहीं आया था? नहीं, बुखार नहीं आता। ठीक है। अच्छा, आपने दूसरा ये बताया कि आपको 2 महीनों से कमजोरी है, आप मुझे बताएंगे आपको किस तरह से पता चला कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है टांगों में? जब मैं चलती थी तो मुझे थोड़ी लड़खड़ाहट महसूस होती थी, फिर अच्छा, कमजोरी आहिस्ता दोनों टांगों, आहिस्ता। हाँ, ये कमजोरी दोनों दोनों टांगों टांगों में एक जितनी है या कम या ज्यादा है? नहीं, दोनों में एक जैसे अच्छा, कमजोरी अचानक से आई थी या आहिस्ता आहिस्ता आई है? नहीं, पहले कम थी, अब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब मैं कोई काम नहीं कर पाती, बस मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। अच्छा, ये मतलब ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताएं कमजोरी जो है आपको किस हिस्से से शुरू हुई थी? आपको ऊपर से नीचे की तरफ आई थी या पाँव से ऊपर की तरफ आई थी? नहीं, मुझे महसूस हो रहा था कि ऊपर ज्यादा कमजोरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी टांग में आने लगी। ठीक। आप अपना काम खुद कर पाती हैं या सहारे की जरूरत पड़ती है? टांगे बिल्कुल ही काम नहीं करती? नहीं, अब मैं कोई काम नहीं कर पाती, बस मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। अच्छा, आपको अपनी टांगे बारी बारी तो महसूस नहीं होती कि आपको उठाने में मसला होता हो? नहीं, मुझे टांगे महसूस ही नहीं होती। अच्छा सही। आपने इसका मतलब कमजोरी के साथ आपको सुनपन भी है? हाँ, दोनों टांगे सुने, अच्छा, पहले सुनपन आया था, कमजोरी आई थी? ये दोनों साथ ही आए थे तकरीबन। कमजोरी अच्छा, ये ज्यादा सुन थी, अब तो बिल्कुल सुन हो गई टांग। अच्छा ये जो सुनपन है ये आपको टांगों में ही है या ऊपर पेट तक भी है? ये ऊपर नाफ तक जाता है सुनपन। अच्छा, नाक तक। नाक से ऊपर आपको सुनपन महसूस नहीं होता, वहां पे ऊपर नहीं, सही है? उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर सुन नहीं, उसके ऊपर से अच्छा, ये कमजोरी है सुनपन बाजुओं वगैरह में तो नहीं आपको? ठीक नहीं, बाजू ठीक है। है। अच्छा, आपको सर में दर्द वगैरह तो नहीं? कभी बेहोश तो नहीं है आपको? नहीं, कभी समय दर्द सुनाई नहीं देने आया। में, दिखाई देने में, बोलने में तो कोई मसला नहीं होता? नहीं चेहरे पे कोई सुनपन? खाना खाने में, सूंघने में कोई मसला? नहीं अच्छा, आपको पेशाब या पखाने में तो कोई मसला नहीं है, या कोई करने में पेशाब या पखाने में मसला होता है या खुद ब खुद निकल जाता हो? नहीं बीच में रुक गया था, तो फिर मैंने वहां पे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने फिर नलकी डाल दी, तब से अभी अच्छा तक नलकी ठीक डल रही ठीक आप कभी गिरी हो या चोट लगी हो? है। नहीं, अच्छा, आपने कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कोई बहुत ज्यादा वजन उठाया जिसकी वजह से आपको ये अचानक दर्द या कमजोरी शुरू हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अच्छा, आपने कहा आपको बुखार रहता, इसके अलावा आपका वजन कम हुआ हो या आपको जिसमें किसी हिस्से में टीबी तो नहीं है? नहीं, अच्छा, खानदान में किसी को टीबी या दिमाग का या कमर का कोई कैंसर? किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएंगे आपको पखाने में खून या खांसी में बलगम या पेशाब में जलन तो नहीं होती? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता।
आपको जिस्म पर दबों के निशान वगैरह तो नहीं है? नहीं अच्छा, आपने कभी कोई ये जैसे मीठे चावल जैसी गोलियां होती हैं वो तो इस्तेमाल नहीं की? नहीं मैंने कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ दर्द की दवाई ली थी। ठीक है सर, डन विथ माय हिस्ट्री। ओके are we going to go to the exam ye discuss kar le pehle to sir dekh le agar discuss kar le to that will be good pehle thoda sa discuss karte fir examination ki taraf jayenge sir okay to tanveer I think you did a good job it's obviously fairly straightforward and your patient also was helpful matlab hai ki it's not offer it's not always that you get a patient who can answer all your questions precisely which is what she was doing so you know so obviously wo dekhte hue lagta hai ki aapne bahut acha kiya so but I did like the way ki you divided it up into two you there were because the scenario mein do cheeze di hui thi और आपने yes, दोनों को सेपरेटली डील किया यू फर्स्ट एलिसिटेड इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ द पेन एंड देन यू वेंट एंड एलिसिटेड द हिस्ट्री ऑफ ऑफ द वीकनेस और आपने ठीक किया आई वुड जस्ट आई गेस द ओनली क्रिटिसिज्म आई हैव इज दैट यू नो ऑब्वियसली आपके जहन था कि यार कोई ये वीक ये जो पैथोलॉजी है इसकी कोई और एसोसिएशन तो नहीं है एंड यू स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट ब्रेन अबाउट सॉरी ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूरोफाइब्रोमाइटोस के लिए आपने पूछा बट आई वुड मे बी हैव एक्सटेंडेड दैट लिटिल मोर आई वुड एक्सटेंडेड अ लिटिल मोर टू आस्क फॉर कंडीशंस लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के has there been any change in your vision has there been any waxing and waning of any of these symptoms or has it been purely progressive so thoda sa you know just demyelinating disease ko exclude karne ke liye the other thing that because a motor neuron आपने से पूछा कि सुनपना और वो बट बिकॉज मोटर न्यूरॉन डिजीज इज सच अ कंफाउंडर इन इम्पोर्टेंट कंफाउंडर इन स्पाइनल डिजीज स्पाइनल कॉलम डिजीज इट्स ऑलवेज वर्थ वाइल परस्यूइंग अ क्वेश्चन ऑफ सेंसरी लॉस बिकॉज सेंसरी लॉस है तो देन द चांस ऑफ इट बीइंग मोटर न्यूरॉन डिजीज इज कंसिडरेबली लेस तो आपने उससे पूछा कि ये कमजोरी और सुन तो बट यू डिडंट पर्स्यू दैट दैट वुड बी माय ओनली क्रिटिसिज्म यू डिड वेल बट यू डिड नॉट पर्स्यू द लाइन के कोई और एसोसिएशन है या नहीं एंड आई मीन लाइक फॉर इंस्टेंस तनवीर यू नो आप हम हमेशा पूछते हैं ना कि में कोई तो नहीं है एंड योर पेशेंट से मसला नहीं है स्पाइनल डिजीज स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्ड इक्विना डिजीज में द वन थिंग दैट कम्स बिफोर द स्फिंक्टर डिस्टरबेंस इज एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन इज ऑलमोस्ट अ कॉन्स्टेंट फीचर आई मीन यू आस्क देम देयर ऑलवेज से यार यू आर राइट पिछले साल में पिछले 6 महीने में थोड़ी कब्जियत हो रही है एंड यू डिडंट परस्यू एंड दैट That you should have specifically you asked her about urine, but you didn't ask her about pakhane ka. And constipation in this case is an important symptom for you to inquire about. That's my only criticism. Otherwise, you did a good job. Okay, sir. Thank you. Sir, should we proceed for the examination? I think so. Ji examination. Tanvir examination taraf hum jaye. Yes, sir. So, sir, after taking the consent from the patient, I will start with the general physical examination, and I will observe the overall look of the patient
and then I will also see the for the anemia, jaundice, and peripheral lymph nodes, and I will also check the pulse, temperature, and blood pressure. And after doing the general physical examination, I will start examining the patient from lower limbs, and I will properly expose the patient from waist down and keeping private parts covered. I will inspect the lower limb for any cutaneous lesion, scar mark, muscle wasting, prominent veins, or obvious fasciculation. After inspection, I will measure the bulk of the patient with the help of measuring tape, and I will check the muscle bulk of both lower limbs, and I will compare them for muscle wasting, and I will take a bony prominence as a reference point. I will measure 10 to 15 centimeter below the knee, and I will measure on the opposite leg at the same point as well. But if there is any obvious muscle wasting, then I will prefer to take measurement from that point. And after checking the bulk, I will see the tone of the patient. I will check the tone of patient in all the joints, and I will compare with the contralateral leg wind, and keep an eye out for any spasticity or flaccidity. And after checking the tone of the patient, I will proceed to check the power in all muscle groups. I will assess hip flexion extension against resistance, but as my patient already gives the history that she is unable to do any, she has profound weakness of lower limbs. So instead of checking power against resistance, I will check the power against gravity and any horizontal or flexing movements. And after checking the power in all the muscle groups, I will then proceed to check the deep tendon reflex of the patient. I will check the knee reflex, ankle reflex, and clonus, and plantars as well. As my patient is unable to walk, so it's difficult for me to assess the gait of the patient. And after doing this examination, I will do the sensory examination of the patient. For sensory examination, I will take a reference point like a head, and I will first familiarize the patient for normal sensation, and then I will proceed to check different sensory modalities. For fine touch, I will use piece of cotton, and I will check different dermatomes starting from the distal to proximal, and I will compare with the adjacent limbs. For pinprick, I will use a sharp pin and repeat the same process. And for temperature, I will use hot or cold object. And for joint position, I will demonstrate the patient. I will say the patient that keep his her eye closed, and I will just move the toe up and down. Then I will ask the patient to close her eyes, and I will ask her about the direction of the toe. And then I will also check the vibration sense in different bony prominence with the help of tuning fork. And after doing the lower limb sensory examination, I will proceed to check the dermatomes of the abdomen and chest to ascertain the sensory level if present, and in order to localize the sensory level. I will also do the sensory and motor examination of the upper limb, and I will, after doing the sensory examination of the upper limb, I will examine the spine of the patient for any obvious deformities, tenderness, or any surgical scar. I will also palpate the spine of the patient, and I will look for any tenderness and any space between the vertebrae. And I will ask the patient to perform different spinal movements if she can. And I will also check the abdominal reflex of the patient. And after checking the abdominal reflex of the patient, I will just do the relevant cranial examination. For that, I will check the hearing of the patient. I will do the eye examination of the patient. And after doing that, I will also do the perineal examination of the patient, and I will check for the saddle anesthesia, and I will also check the tone, anal tone of the anal sphincter. And after, I will also do the cremastic reflex of the patient after taking permission from the examiner. I think so. That's it for examination. So, from what you've heard from the patient, what do you expect your examination find to be? I think, as my patient told, that she has the pain in the middle of the back, and she is telling that she has just decreased sensation up to the umbilicus. So I'm suspecting a pathology in the dorsal spine. Hmm.
lower dorsal spine. So what will be the findings of the examination abnormality? So I'll do this. Now ye batao ki just we're talking about the scenario. Is scenario mein what do you anticipate? Sir, I am suspecting in my exam, according to the history of my patient, I am suspecting in examination that my patient has decreased power in the both lower limbs. And the patient has probably the signs of the upper motor neuron disease. She might have the upgoing plantars and she have increased muscle tones and she has might exaggerated reflexes. Mm-hmm. But what about, I mean, and what do you think you'll find on sensory examination? Sir, in sensory examination, I'm suspecting the decreased sensation up to the level of umbilicus. And would you try and analyze that any further? Yes, sir. I will, because the sensations are decreased, I will also analyze for the dorsal column. For that, I will check the, I'm suspecting that patient might have decreased the vibration sensations and position, joint position sensation. Okay, well, all right. Let me just move ahead slightly to ask you what I want to ask you. What do you think are the possible diagnostic situations that we face in this lady, 50-year-old female? Yes, sir. I am suspecting that my patient Yes, sir. I am suspecting any neoplastic lesion in the dorsal spine, or either it's a degenerative disease. My differentials will be neoplastic or degenerative. Okay, and if it's a neoplastic process, then do you think it's intramedullary, intradural, extradural? What do you think? Sir, I think according to the history of patient, it's an intradural extramedial tumor. Okay. And if it is, because, do you think it's connected to... Do you think, if that's true, do you think it's possible that it's connected to a nerve root? Sir, as my patient in her history told that she has pain radiating to the anterior side of the abdomen, so I think might be it is connected to the root. Okay. And so if it's connected to a nerve root, then it's pressing on the cord from one side. Is that not correct? Yes, sir. So how will this situation be reflected now in your sensory examination? So if it is compressing on one side of the cord, might be the patient has decreased sensation in the one limb, but maybe I mean to say that there may be the differences of the sensations in both limbs. Right. So, although there is a decrease in sensation on below a certain level, when you check on either side, you'll find that on one side the sensation may be decreased more than the other side. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And that side is also. So probably opposite the side with the greater weakness. Yes, sir.
because the cord is being compressed on the side. Yes. So what is that called? So what is that? What is that presentation syndrome called? Sorry, sir, I have no idea. Nay, of course you do, yeah. Of course you do. There are social dissociative things. Sensory loss. No. Dissociate is different modalities than we. Nay, we're talking about sensory loss more on one side and motor loss more on the other side. What is Brown-Séquard? Yes, sir. Brown-Séquard syndrome. Sir, Brown-Séquard syndrome is the hemi section of the spinal cord or the hemi paralysis of the cord. बिल्कुल यार so, मैंने आपको बताया कि you know it. It's just that you're not thinking about it. अब Brown-Séquard ने जो बात की थी वो उसने तो बात की कि यार मरीज को अगर कोई छुरा घोप दे और आधा कॉर्ड कट जाए तो ये ऐसा होता है मगर आजकल तो यू नो छुरे इतने ही चल रहे हैं आज तो बंदे बंदूकें मारते हैं तो वो उसका Brown-Séquard सिंड्रोम में वी डोंट सी दैट व्हाट वी सी इज दिस सिचुएशन वेयर द कॉर्ड इज बीइंग कंप्रेस्ड इंट्राड्यूरली फ्रॉम वन साइड एंड व्हाट यू हैव इज अ वीकनेस ऑन दैट साइड एंड सेंसरी लॉस मोर ऑन द अदर साइड Yes, sir. So in this scenario, that when you are doing the sensory examination, that's what you need to anticipate a little bit, and, you know, and say, "Ji, maine sensory level bhi nikal liya hai. I've also checked one side against the other, and they're equal or they're unequal. Ab wo, that we don't know." Yes, sir. And the other thing, of course, is that because aapke case mein, it's obviously either spinal column disease or aapne pehle usse tuberculosis ka pucha or but you also think that because of the age in female, it may be an intradural tumor like a meningioma or a neurofibroma. उसमें स्पाइनल कॉलम डिजीज के लिए आपने कॉलम पैल्पेट तो किया बट ऑल्सो यू नीड टू एंड द पेशेंट इज स्लाइवर बट यू डू नीड टू ट्राई एंड गेट सम मूवमेंट टू सी वेदर मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल स्पाइन कॉजेज द पेशेंट पेन व्हिच वुड गिव यू एन इंडिकेशन दैट इट्स एक्चुअली परहैप्स अ कॉलम डिजीज यस तो लाल इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलें यस सर यस तनवीर जरा आगे ले जाओ नाउ व्हाट इज योर यू सी दिस पेशेंट इन द नेक व्हाट इज योर एडवाइस सर इन द इन्वेस्टिगेशन आई विल डू द ऑन इन्वेस्टिगेशन As in investigation, I will do the baseline investigation specific and the relevant examination, relevant investigation. So in the baseline, I will do the CBC, UC, and PTNR of the patient. And sir, in the specific investigation, I will do the MRI dorsal spine with and without contrast. Okay. So you don't think... Bolo? Sir, I will also do the X-ray chest of the patient. And... I will also, sir, as the patient's age is more than 50 years, but she in her history didn't tell any finding regarding the metastatic lesion, so I don't think I'll go for the metastatic work. And yeah, would you ask for any?
plain radiography of the dorsal spine? Yes, sir. I can also do the X-ray of the dorsal spine. Yeah, but a lot of people don't do it anymore because, I mean, you know, it's very likely to get information that you don't get outside from an MRI. So the MRI really answers both questions, spinal and intraspinal. Yes. Okay, so sorry, one other thing. And in the baseline, you mentioned do her CBC. Would you do her HbA1c? Yes, sir, I should have to do as the patient's age is more than 50 years and she is also complaining of you the should, numbness. Yeah. Because of the age, you may wish to do that, nahin? Yes, sir. I think so for this kind of age patient and you're looking at nerve involvement with weakness, wagara, and pain and stuff like that, I think it may be important. Yes, sir. As a baseline. Okay, so then Farooq, can you show us the MRI, please? Yes, sir. So, sir, these are the examination findings of the patient. Okay, Dr. Saab, can you please describe what you're looking at? Yes, sir. This is the MRI dorsal lumbar spine, sagittal cut, T1 and 2 two-weighted images. Sir, in the T1 weighted image, there is a slight hypo to iso-intense area in the at the level of the D9 or D10, which is slightly hypo to iso-intense to the cord. And so in the T2 weighted image, there is a well circumscribed hypo to iso intense area at the level of D9 and D10. So it is compressing the cord. Is it pressing the cord or is it expanding the cord? Sir. Well, you can't answer that question until yes, you ask for the axial. Yes, sir. Right. So you ask, can I please have the axial? Yes, sir, can I have an axial cut or contrast? Sir, this is the MRI sagittal. Yes, sir. Sir, this is the MRI of the patient of dorsal spine, but I could not relate the exact level. Axial cuts, it is showing a contrast enhancing homogeneous lesion in the spinal cord, which is causing the compression of the cord and displacing the cord to the right lateral side. So you need to see a little more, don't you? Yes, sir. Baki cuts with the kind of sagittal. Yes, sir. Sir, this is the MRI dorsal lumbar spine T1 weighted contrast image. It is showing a homogeneously contrast enhancing lesion at the level of D9, D10, and
दिस लीजन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल कैनाल एंड नॉट रेडिएटिंग थ्रू द फोरामेन. But no, 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 you can't say that. No, you can't say that. Tanveer, that's khas taur pe agar wo saamne film nahi hoti and waqai agar is tarah examination hota hai aapka because of COVID or whatever, don't say things that you can't really say confidently without looking at all the. Aap to saari din dekhte ho na, aap exam bhi dekhte ho aur fir baat karte ho. But yes, you must say, can I please see the axial? And for me, in this case, seeing the coronal is very important. Because quite honestly, the axial is, I've already dekh liya, is really misleading because you can't tell. The coronal is really what's going to tell you where it's coming from and what it is. Because it's so brightly enhancing, badi achhi tarah nazar aayega. So chalo yaar, aap please, axial to aapne dekh liya, ab coronal dekh liya. We don't have the coronal cuts. That is the most important thing. Yes. Usi se pata lagega. Yes, sir. So, it's obviously, yes, it's so brightly enhancing that it's almost certainly a non-neural tumor. Aap samajh rahe hain baat na? Yes. Matlab, this is probably not neuronal tissue. It's more like ya to meningeal tissue hai, ya koi fibroma ka tissue hai, Schwann wala tissue hai. Aisa lag raha hai kuch. बट इसकी क्या ओरिएंटेशन है, नर्व के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो इन चीजों से जो आप सेक्शन बता रहे हो उसी तरह कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता. यस सर, यस सर. तनवीर, व्हाट्स योर बेस्ट गेस? सर, एज द पेशेंट इज फीमेल हैविंग द एज मोर देन 50, आई थिंक इट्स मेनिन्जियोमा. या, दैट्स प्रोबब्ली मोस्ट लाइकली. और यहां पे we're looking at one particular section na, to isme lag raha ki ye cord ke andar hai, but that may not be true. Aap samajh rahe hain baat na? We may be looking at either the top end of it or the lower end of it in which the cord is wrapped around it, and this could be outside, so we can't be absolutely certain. But in this image, because this image you can see spinal cord all around it, thinned out on the left but also on the right. Yes, sir. But and that's why the coronal is so important in this. Yes, sir. Farooq, ये केस आपने डाला है? Farooq? जी सर. जी सर. आपने डाला था किस? जी सर, इसमें अवेलेबल सर नहीं थे. आपने फिर नहीं, आपने दूसरी चीज भी देखी होंगी तो. जी सर. तो सर इसमें सर मेनिन्जियोमा सर मेनिन्जियोमा सर इसमें था. हाँ, तो फिर वे लुकिंग एट अ सेक्शन. आई मीन दिस इज ऑब्वियसली यू आर ऑब्वियसली नॉट ट्राइंग टू टेल अस दैट दिस इज एन इंट्रामेडुलरी मेनिन्जियोमा. आप वो तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं सर. तो ये जो सेक्शन आपने दिया है इसमें वैसे लग रहा है कि ये विद इन कॉर्ड. जो डॉक्टर ने बताया बिल्कुल सही बताया. It looks within the cord, but that's only a function of this particular section. जी सर, इसमें भी सर थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे तो उसका उसकी attachment to the dura would be more visible. जी सर. So, Dr. Tanveer. Yes, sir. Yes, sir. Can I ask you? Can I ask you if a lady, 52-year-old lady, came to you with back pain and paraparesis and this MRI and said, Dr. Tanveer, I've come to you for surgery. As you
plan her surgery, what would you be thinking about? What are the important principles that you need to consider? Sir, I think as the patient is having the progressive weakness and she is also giving the having the complaint of pain, so in order to reduce her symptoms and also the increase the prevalence of the disease, I will go for the surgery. वो तो खुद ही कह रही है कि डॉक्टर साहब आपके पास ऑपरेशन के लिए आए हो यार. Yes, sir. वो तो खुद ही बता रही है. अब आगे बढ़ो. Okay, for surgery, sir, I will do the proper. सोचना क्या है? What do you need to think about? What do you need to consider? Yes, sir. Proper sir, monitoring of the patient, and sir, microscope, and sir, the C-arm for localization of the liver. No. Free of workup. Tanvir. Sun. So, listen. My question is slightly different. My question was, what are the principles? In other words, a broad principle is one thing, and then what do you do to achieve those goals is another. So I'm not asking about, so in other words, your overall strategy is to take this out without harming the patient. And the tactics that you will use is, for instance, microscope water. Aap samajh rahe hain baat na? So listen very carefully to what's being asked of you. So I'll repeat my question. My question is, this lady has come to you for surgery. Now, obviously, your responsibility now is safe removal of this tumor. In other words, removing this tumor without harming the patient, right? Yes, sir. So I'm asking you, what are the things that you need to think about in that way? And then, uski jo tactics hai, uski jo kis tarah aap karoge, it's a separate issue. वो आगे की बात है. But quite frankly, the principle here or the overall objective is for you to remove this lesion without functionally disturbing the normal spinal cord. ठीक है ना? यही है ना? That's what you're thinking about. So to achieve this objective, you have to ask yourself another question. And that question is, during the surgery, what are the risks? What are the causes? What are the factors of risk to the cord function? That's what you have to answer. Sir, for the first of all, I will one thing I should have to properly localize my lesion. Then I have to avoid any extra cautery at the lesion in order to prevent to damage of the cord. And I also avoid to retract the tumor excessively in order to damage the cord. Tanvir, aap bilkul sahi keh rahe ho, but you know something, if I was you, Tanvir, you need to try to learn how to think systematically. I would say exact aapne jo baatein kahi hain is exactly right, and I would say the same thing, but I would say it differently. I would say that there are three major risks to the normal spinal cord function. One is damage due to improper localization. Yes, sir. Secondly, physical damage, which is physical trauma, which can be due to manipulation, vibration from a CUSA, all sorts of things like that. Poor choice of instrumentation. And thirdly, which you said very nicely, which is thermal damage. So I would say it's physical damage and thermal damage. So you have to prevent, in this case, you have to prevent physical damage to the normal cord and thermal damage to the normal cord. And the
physical damage, as I said, is because you've exposed the cord too much, or using some people do, and I think it's not wrong that sometimes even CUSA at high settings can cause vibration injury to the normal cord. The other thing is that because you're at the wrong level, you may, if you go up and down too much, you may disturb the vascular supply to the cord, the radicular arteries that are supplying, because you're at that funny level between 9-10. The two major reinforcing arteries come in, one from about 4-5 and the other at about T9-10. And so you're worrying about that. And then, of course, the thermal injury issue is very much there. If you, and this is very important, Tanveer, when you're yes. doing an intradural tube like this, always avoid working across the cord. In other words, it must never be that your instruments are going past the normal cord to the tumor. So, samajhiye meri baat na? That's yes, why kuch log like the late, much lamented Alex Berneski of Germany pioneered this idea ke aise case mein to hum laminectomy ek hi side pe karenge, dusre side pe hum jayenge nahi, taaki dusra side yahan pe cord hai wo disturb na ho. We'll only go, so we localize it well and we'll only go down one side and we'll do a hemilaminectomy. So whatever tactic you use, the important thing is to prevent physical and thermal injury to the normal cord. Yes, sir. और फिर आगे क्या आप बता सकते हो कि फिजिकल में ये चीजें हो सकती हैं, थर्मल में मेनली डायथर्मी है, या समटाइम्स द हीट ऑफ द CUSA, समटाइम्स CUSA हीट आ जाता है. यस सर. वुड यू यूज, वुड यू आस्क फॉर अ CUSA इन केस? सर, आई थिंक द लियन इज एक्स्ट्रा मेडुलरी एंड बट आई थिंक सर आई शुड हैव टू यूज CUSA इन दिस केस. लाल, यू रियली नीड टू ट्राई एंड गेट अ CUSA ऑन डोनेशन फ्रॉम समवेयर. ये जाके उनसे मिलो, क्या नाम है वो पैफ वालों से यार, और हमें उनसे कहो कि हमें आप एक दो चीजें तो न्यूरो नेविगेशन हमारा करा दें ठीक, और हमें CUSA दिलवा दें. सर, हमारे पास जो CUSA है उस जब इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसलिए. नहीं यार लाल, वो काफी अरसे से खराब पड़ा हुआ यार. नहीं, हमने बीच में थोड़ा सा कुछ दिन पहले ठीक कराया था. लाल बनेगा नहीं, वो रिप्लेस होगा वो. नहीं, हमने सर उसको अभी कुछ केसेस भी की रिसेंटली, लेकिन ये है कि वो सर कोगुलेशन नहीं करता और अजीब सा वो है, सक्शन भी उसकी ठीक नहीं है, वाइब्रेशन भी, सारी चीज उसकी खराब है, तो सही काम नहीं कर रहा. वी नीड रियली CUSA, ये उनसे बात करते हैं. सही कह रहे हैं. तो देखिए, मैं नेक्स्ट टाइम मैं जाता हूं तो मैं आपको शायद फोन करूं और उनसे बात करूं. ठीक है सर. ठीक है. तो लाल, मेरी तरफ से यही है. हाँ बिल्कुल सर, ये जो आजकल जो सर जो विदाउट पेशेंट जो एग्जाम होते हैं, इसमें हम दो लॉन्ग केसेस रखते हैं, एक को ब्रेन से होता है और एक स्पाइन से होता है. तो स्पाइन का केस मस्ट है. तो आजकल दो दो लंग केस सर होते हैं, जो नया सिस्टम हमने शुरू किया ना. अच्छा, तो चले, आई डिडंट नो दैट. तो मे बी फारूक. जी सर. अगर फारूक, तो फिर इफ वी आर डूइंग नेक्स्ट मंडे, तो आप मुझे पहले बता देना था, बिकॉज we spent an hour na, to usko phir aadhe ghante mein usko farak karenge, brain aur spine agar dono rakhe hain aap. Yes sir, we can do that. Yeah, so just let me know before, and so that, as I said, the timing is done in such a way ke wo, we start no, sir, exactly on time and we finish in 30 minutes. नहीं सर, इसमें सर है ना कि ये हम ये तो इसलिए जरूरी है कि हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले काफी उनका. तो हम एक हफ्ता स्पाइन करेंगे, एक हफ्ता ब्रेन करेंगे, एक एक केस करेंगे, उस पर डिटेल डिस्कशन होगी सर. तो इट वाज क्वाइट गुड डिस्कशन. हाँ, ये भी सही है.
मेरा ख्याल है डिस्कशन अच्छा है यार, थोड़ी बातें हो जाती हैं और यू नो तो हम देखिए केस करेंगे सर, टाइम अल्टरनेट इट यू थिंक अबाउट। हां तो सर ठीक है यार, बिल्कुल बिल्कुल व्हाई नॉट, अल्टरनेट पे करेंगे सर, अल्टरनेट पे करेंगे। नहीं नहीं आप यू आर राइट यार, एक ही करें वो 30 मिनट्स में पूरी बात नहीं होगी जी सर, तो इसमें जरा ज्यादा डिस्कशन होती है तो ये लड़कों के लिए ज्यादा फायदा है सर। या जी सर ठीक है सर, थैंक यू सर, काफी अच्छी डिस्कशन हुई है। तो सर तनवीर के लिए आप क्या फीडबैक वो उसको पास कर रहे हैं सर क्या? तनवीर भी यार नहीं नहीं तनवीर सही जा रहा है, तनवीर नहीं एंड तनवीर इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब यानी कि वो सही कर रहा है वो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जस्ट नीड्स टू नाउ जस्ट नीड्स टू कंटिन्यू टू सी पेशेंट्स एंड देन इन लाइट ऑफ व्हाट ही सीन डू अ लिटिल रीडिंग यू नो, ये सारी चीज मतलब मैंने कि जिस तरह होता है there's no ye wo jo fcps part 2 hai uske liye koi tuition center nahi hai because yes. wo ye tuition wala kaam hi nahi hai, this comes from doing a lot of work over a long period of time you know, yes sir. that's what people are looking for, to ye yani ke wo short notes or tuition center la जी सर चले ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, देन सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू सर, थैंक यू।